कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में गरीब कल्याण सम्मेलन का हुआ आयोजन। और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कोरिया जिले के बैकुंठपुर में SDRF और नगर सेना की टीम ने किया पूर्वाभ्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इस बीच देश में अब तक 193,57,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 4,07,71,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,70,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,83,58,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.42% है। कल प्रदेश में कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 52 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जांच के लिए सभी नमूने पुणे की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए। देश में अब तक मंकी पॉक्स बीमारी के किसी भी रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। दिशा निर्देशों में मानव से मानव संचरण के खतरे को कम करने के लिए निगरानी और नए मामलों की तेजी से पहचान पर बल दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। श्री चंद्रा आज डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जन्स रोडमैप फॉर इंडिया पर IIT कानपुर और TSDSI द्वारा आकाशवाणी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने इसे भारतीय दूर संचार ऑपरेटरों की सफलता बताते हुए कहा कि वे देश में दुनिया की सबसे सस्ती दरें उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे में कुछ परिवर्तन करने होंगे तथा कुछ नियामक बदलाव भी लाने होंगे। एंड दिस कन्वर्जेंस इज गोइंग टू इम्प्रूव हाउ द ब्रॉडबैंड इज बीइंग कंज्यूम्ड and from the perspective of the telecom operators, how the spectrum is being utilized. That is a very, very, very important national objective. We have one of the largest mobile data numbers in the world, 1.2 billion mobiles, of which almost 750 million are smartphones. And this internet traffic, of which 82% is video, this was not known to me. 1.1 million minutes of video every second, equivalent to 60 billion DVDs in a month. This is huge, huge data, and I am sure that this must be consuming
almost everything in our whatever the broadband infrastructure we have created in 4G. सम्मेलन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कल 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी और रजनीश सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुनने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही और किसान भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। और जो प्रधानमंत्री की योजना जो है गरीब कल्याण योजना बहुत ही सुंदर है, और जो सार के महीना में किस्त दबा है किसान योजना वाले सम्मान प्रतिनिधि प्रधानमंत्री योजना वाला बहुत बढ़िया दे है, और जो कोरोना काल में बच्चे भी खत्म हुए हैं ओकरो पैसा देहो बोले थे, तो बहुत बढ़िया योजना प्रधानमंत्री कर है ये सब चीज। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिमला से पूरे देश को संबोधित किया, हम सभी उनका अभिनंदन व स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की राशि उनके खाते में डीबीटी के तहत डाली गई है। लगभग 11 करोड़ किसान और उसके साथ में 21,000 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के तहत आज डाला गया है। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज़ादी के बाद में पहली बार किसानों को 6,000 रुपए के हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए जो किसानों के खाता में अभी तक के दिए गए हैं। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद गुहाराम अजगले, विधायक नारायण चंदेल और सौरभ सिंह भी मौजूद थे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन और किसानों से वार्तालाप को सुना। सांसद गुहाराम अजगले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है और लोगों का जीवन भी खुशहाल हुआ है। 2014 के पश्चात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पश्चात आज विकास की, गरीबों की बुनियादी जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो देश में कार्य हुआ। वही बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में भी गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब, मजदूर और किसान सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो योजना है जल जीवन मिशन, घर घर शुद्ध पानी पहुँचाने का हो या माता बहनों के लिए अपना उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर वितरण किया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री का योजना क्योंकि ई श्रम कार्ड जो 2,00,000 का बीमा हर मजदूर और किसानों का हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, मैं किसान सम्मान निधि से वार्षिक सालाना 6,000 रुपये मिलता है, जो खाद बीज दवाई का काम यूज करता हूँ और परिवार साथ रहता हूँ। प्रधानमंत्री योजना से जो शौचालय है, रसोई गैस है, ये सब योजना बनाई है, और
किसान के लिए सोलर पंप योजना है, उसमें से लाभ बहुत पसंद है। गरीब कल्याण सम्मेलन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सभागार में किया गया था। इस अवसर पर लाभार्थियों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले बाढ़ आपदा से निपटने के लिए SDRF, जिला और संभाग स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन तथा नगर सेना की टीम द्वारा कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल झुमका वोट क्लब में पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान बाढ़ से बचाव और राहत कार्य में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों की जाँच की गई। संभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि मानसून के पहले प्रतिवर्ष यह मॉक ड्रिल किया जाता है ताकि बाढ़ आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम का पूर्वाभ्यास निरंतर जारी रहे। देखिए बेसिकली तो हमारे पास रेस्क्यू बोट्स होते हैं और हमारे पास अंडर वाटर के लिए स्कूबा सेट्स होते हैं जो सिलेंडर लेके अंदर जाते हैं। इसके अलावा हमने ने क्योंकि गांव-गांव में भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो हमने जो देसी टेक्निक होती है जिसमें पीपा होता है, खाली बाटल होता है, बर्तन होते हैं, गाँव में इजीली अवेलेबल होते हैं, तेल के जो खाली कंटेनर्स होते हैं उससे हम कैसे राफ्ट बना सकते हैं वो हमने टेक्निक अभी दिखाया है। इसको हम लोग पंचायत स्तर पर जा जाकर के वहाँ के लोगों को गाइड करेंगे। SDRF के महानिदेशक के आदेशानुसार बाढ़ आपदा और बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। झुमका बोट क्लब में आपदा प्रबंधन की टीम मुस्तैद रहेगी। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में हुआ था। रेड्डी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ने लगे। जुलाई 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा के बाद रेड्डी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे यूथ लीग से निकटता से जुड़े थे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लेते थे। 1938 में रेड्डी आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव निर्वाचित किए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और अमरावती कारागार भेज दिया गया। कारागार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वीवी गिरी के साथ सजा काटी। रेड्डी 1945 में रिहा किए गए। 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1953 में वो आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1964 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 1967 से 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। रेड्डी 1977 में भी सांसद चुने गए जब वे लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके 3 महीने बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के छठे राष्ट्रपति बने। 1 जून 1996 को उनका निधन हुआ। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD News Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।